अरे वो देखो मैं कैसे आ गई। थैंक यू मैम। कैसा लगा आपको घूमने? मैम हमने सुना है कि आप घूमने के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। काम करते करते काफी थक गई थी तो सोचा टहल कर आ जाऊं। शेखर जी की नई फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है, इस बारे में कुछ कहना चाहती हैं मैम? आई विश शेखर ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे कि उनकी बाकी फिल्मों की तरह यह फिल्म भी सुपर हिट हो और वो अपनी अगली फिल्म में मेरे साथ करे। आपने उनके साथ बहुत ही हिट फिल्में दी है, पर इस फिल्म में उन्होंने आपके जगह एक नई एक्ट्रेस को कास्ट किया है, तो आपको दुख तो हुआ होगा। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? शेखर को लगा होगा कि शायद उस रोल में एक नई लड़की अच्छी तरीके से फिट हो सकती है। दैट्स इट। बट आई एम श्योर शेखर के पास अगर मेरे लायक कोई स्क्रिप्ट होगी तो वो मुझे बताने में झिझकेंगे नहीं। सुना है सुपरस्टार रविंद्र कुमार के साथ बहुत ही जल्द आप शादी करने वाली? नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज, थैंक यू। काम करो, बॉडी को नीचे उतारो। जब ये कुणाल नीचे गिरा तो कौन कौन लोग थे यहाँ? सर मैं और मीडिया वाले थे। कहाँ से गिराई? सर पता नहीं, वो नहीं देखा। मतलब? सर मैं मीडिया वाले को इंटरव्यू दे रही थी कि अचानक बहुत जोर से आवाज आई और मैंने पीछे पलट के देखा तो सर मेरी कार के ऊपर कुणाल गिरा हुआ था और सर खून बह रहा था। सर मुझे नहीं पता सर, मैं बहुत घबरा गई थी। ये मैनेजर कौन है? सर मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, मैंने ही आपको कॉल किया था। किस रूम में ठहरे थे मिस्टर कुणाल? पता नहीं सर, वो तो होटल में थे ही नहीं। क्या होटल में थे ही नहीं? गिरे तो ऊपर से ही है ना? हाँ सर। आसपास कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है जहाँ से गिरे हो? ध्यान नहीं दिया होगा आपने, अंदर जाते हुए देखा नहीं होगा। सर मैं तो रिसेप्शन पे था पूरे दिन, वाकई अंदर नहीं आए थे। सीसीटीवी कैमरा लगा रिसेप्शन में? यस सर। रेडी, जरा सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक कर, देखो ये आदमी अंदर कब गया था। सर सर इसके जैकेट का बटन फूटा हुआ, ये देखिए। इतना बड़ा एक्टर अपनी म्यूजिक रिलीज में टूटे हुए बटन वाली जैकेट पहन के तो आएगा नहीं। या तो बटन नीचे गिरते हुए टूटा है या फिर तोड़ा गया है हाथापाई में। इसका मतलब मरने से पहले इसका झगड़ा हुआ था किसी के साथ? लग तो ऐसा ही रहा। अच्छा कुणाल का किसी के साथ कोई झगड़ा बगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, कुणाल बहुत ही अच्छा लड़का था, वो हमेशा सबसे मिलजुल के रहता था। सर उसका झगड़ा किसी के साथ हो ही नहीं सकता। आप? मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, करण नाम है मेरा। आई सी। और आप हीरोइन हैं? हाँ सर, ये मेरी पहली फिल्म है और देखिए ना मेरी पहली फिल्म में ऐसा हादसा हो गया। हादसा या मर्डर ये तो अभी कह नहीं सकते, बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल आप लोग कहाँ थे जब कुणाल यहाँ गिरा? हम सब लोग होटल के अंदर थे, मीडिया वाले और एक्ट्रेस मायरा बाहर थी। अच्छा ठीक है। जिस तरीके से ये कार की छत हिचकी हुई है काफी इंपैक्ट है, मतलब ये काफी ऊंचाई से गिरा है। अजीब बात है,
सारी खिड़कियों पे तो ग्रिल लगा है, खिड़की से तो गिरा नहीं है, छत से ही गिरा होगा। होटल के सारे कमरे चेक कर लिए, फिर कहीं भी ये नहीं लगता है कि कुणाल वहां से कूदा है। छत पे भी हाथापाई के कोई निशान नहीं है, टूटा हुआ बटन भी नहीं दिख रहा है। सर, कुणाल होटल में आया ही नहीं था। होटल में आया नहीं? नहीं सर, मैंने पिछले 7 दिन का CCTV फुटेज चेक किया है, कुणाल होटल में आया ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? सर, ये भी तो हो सकता है कि कुणाल होटल आया हो और खूनी ने उसका CCTV फुटेज मिटा दिया हो। कहीं होटल में कोई काम करने वाला तो खूनी नहीं है। सर, ये भी हो सकता है कुणाल भेष बदल के इस होटल में आया हो, फिर यहाँ से उसने कूद के आत्महत्या कर ली। होने को तो कुछ भी हो सकता है, अब तो डॉक्टर साड़ुंके ही बताएंगे कुणाल का खून हुआ है या कुणाल ने आत्महत्या की। कुछ पता चला? हाँ दया, मौत तो इसके ऊपर से गिरने की वजह से ही हुई है, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये एक खून है। खून है? हाँ। मतलब इसे ऊंचाई से फेंका गया? हाँ दया। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो दया, ये ऊपर से गिरा है अपने शरीर के दाएं हिस्से की तरफ से, इसीलिए इसके शरीर पर ये दाएं हिस्से की तरफ सारी चोट आई है। ये देखो, ये दाएं तरफ रिब का फ्रैक्चर, ये दाएं हाथ पर चोट के निशान, ये सब। लेकिन इसके सर पर बाईं तरफ की एक चोट का निशान है, ये देखो। अब सवाल ये उठता है कि इसके सर पर बाईं तरफ की चोट आई तो आई कैसे? जरूर ये चोट खूनी के साथ हाथापाई के दौरान आई होगी। एग्जैक्टली सचिन, इसे ये चोट तब आई जब किसी ने इसके सर पर बाईं तरफ वार किया किसी भारी चीज से, शायद इसे बेहोश करने के लिए। हाँ सर, क्राइम सीन पर हमें इसकी शर्ट का एक बटन भी तो नहीं मिला था। कापुरवी, हाथापाई के दौरान टूट गया होगा और जैसे ही ये बेहोश हो गया, खूनी ने इसे ऊपर से धक्का दे दिया। पर इसे धक्का दिया तो दिया कहां से? सर, हमने होटल के कमरे, होटल की छत सब अच्छी तरह से चेक कर लिया सर, पर वहां पे कोई सुराग नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा लाश गिरी तो गिरी कहां से? लाश आसमान से तो नहीं गिरी है दया, कहीं ना कहीं से तो गिरी है। हाँ पूर्वी, कुछ पता चला मीडिया फुटेज में से? सर ये देखिए, सर इस फुटेज में कुणाल गिरते हुए तो दिख रहा है, मगर कहां से गिर रहा है वो पता नहीं चल रहा। लेकिन सर, अगर मैं वहां की मीडिया वालों की बातचीत का ऑडियो बंद कर दूं और वहां की एम्बुलेंस यानी बाकी चीजों के ऑडियो ऑन रखूं, तो सर एक आवाज आती। सुना? सर, ये कैसी आवाज है? देखते हैं फ्रेडी, पता करते हैं। जरा फिर से सुना। सर, कहीं ये हेलीकॉप्टर की आवाज तो नहीं है? मुझे भी यही लगता है, ये हेलीकॉप्टर की ही आवाज है। तो मतलब है कुणाल को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका गया? मीडिया इवेंट के दौरान हेलीकॉप्टर उड़ा होगा और उसी में से कुणाल को नीचे गिरा दिया गया होगा। पूरी काम करो, पता लगाओ उस इवेंट के दौरान कितने हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और किसने बुक किया था। सर, सर इस सब में दो चीजें सामने आती है,
देखिए कि खूनी अमीर और बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। हेलीकॉप्टर बुक करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। और दूसरा ये कि कुणाल खूनी को अच्छी तरह से जानता होगा, तभी तो वो हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए राजी हो गया। सर जिस वक्त कुणाल को फेंका गया उसके कुछ ही देर बाद उन्नति मैदान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया सर। क्या उन्नति मैदान में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? तो विधायक कहीं वही हेलीकॉप्टर तो नहीं जिसमें से कुणाल को फेंका गया? हाँ पता नहीं सर कैसे हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक कोई आया क्यों नहीं? इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए तो दौड़ कर आते सर, लगता है वो लोग आ गए। आप लोग इंश्योरेंस कंपनी से? नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ। आप? जी मेरा नाम गिरीश है, ये हेलीकॉप्टर मेरा ही था। आपका ये हेलीकॉप्टर बुक किसने किया था? सर वो फिल्म का एक प्रोड्यूसर है, शेखर। शेखर? जी हाँ, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए हेलीकॉप्टर बुक करवाया था। उनकी फिल्म का हीरो है कुणाल, वो फिल्म की म्यूजिक पार्टी के लिए हेलीकॉप्टर से एंट्री करने वाले थे। अच्छा देखते हैं। सुनिए हेलीकॉप्टर के अंदर कोई लाश मिली? नहीं सर। सर कहीं कुणाल ने हेलीकॉप्टर से कूद के आत्महत्या तो नहीं कर ली? नहीं पंकज, डॉक्टर सालुंके ने बताया कि ये मर्डर है। जरूर कुणाल के साथ कोई ना कोई था हेलीकॉप्टर में जिसने उसे पहले मारा, बेहोश किया और फिर हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक दिया, और शायद पैराशूट से बाहर निकल गया। सर कहीं ये सारा किया तरह शेखर का तो नहीं? सर वो हमें होटल में भी नहीं मिला था। सर ऐसा कौन सा प्रोड्यूसर होगा जो अपने ही फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पे मौजूद ना हो? हो सकता है। एक काम करो, चारों तरफ नजर दौड़ा, और हाँ वो ब्लैक बॉक्स पता करो, ब्लैक बॉक्स कहाँ है, उसी से पता चलेगा इस खूनी के बारे में। सर जल्दी आइए। सर ये देखिए, ये पैराशूट है। गुड जॉब पंकज, आजकल बहुत काम करने लगे हो। थैंक यू सर। सर पेंडेंट शायद खूनी का हो सकता है, और खूनी शायद शेखर भी हो सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं अपनी फिल्म के हीरो को क्यों मरवाऊंगा? फिल्म की पब्लिसिटी के लिए। कुणाल की मौत से आपकी फिल्म को पब्लिसिटी मिलने वाली थी, और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन दुगने होने वाले थे। हा? सर लेकिन मेरी फिल्म तो वैसे ही हिट है, उसके लिए मुझे गुनाह करने की क्या जरूरत है सर? तुमने बनाया था ना कुणाल की एंट्री का प्लान हेलीकॉप्टर से? हाँ, कुणाल को हेलीकॉप्टर चलाना बहुत अच्छे से आता था, उसके पास उसका लाइसेंस भी था, और मैंने ही उसको बोला था कि इस पार्टी में अगर वो हेलीकॉप्टर से आएगा तो फिल्म की पब्लिसिटी में चार चांद लग जाए। चार चांद का तो पता नहीं, मगर तुम्हारी इस प्लानिंग की वजह से वो ऊपर जरूर पहुंच गया। तुम्ही ने उसे हेलीकॉप्टर से धक्का दिया था ना? नहीं, मैं उस वक्त हेलीकॉप्टर में था ही नहीं। फिर कौन था वहां पे?
मुझे नहीं पता। देखिए, पता नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। जब म्यूजिक लॉन्च हो रहा था तो आप वहां पे नहीं थे, कहां पे थे आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पे आराम कर रहा था। मेरी तबीयत अभी भी बहुत खराब है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सर, मैं इनकी डॉक्टर को फोन करती हूँ। सर, इनसे तीन सवाल क्या पूछे, इनकी तबीयत बिगड़ गई। आप क्या सब आपको क्या लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? सही में तबीयत खराब हो रही है। शेखर जी क्या हो गया? बालों का गिरना, इसकी नाक में से खून का बहना, इसका पूरा शरीर इस तरह से पीला पड़ जाना, ये सब देख करके मैं समझ गया था ये कोई साधारण मौत नहीं है, ये बड़ा टेढ़ा चक्कर है। कैसा टेढ़ा चक्कर सालू के साहब? पहले शेखर की मौत जहर से हुई है, और जहर भी कोई ऐसा वैसा जहर नहीं, दरअसल ये रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हुआ है। रेडिएशन पॉइजनिंग? ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा डॉक्टर साहब। हाँ दया, बात दरअसल ये है कि इसके शरीर में मुझे अल्फा पार्टिकल्स मिले हैं, जिसे साबित होता है कि ये आदमी रेडिएशन का शिकार हुआ है। ये कौन सा जहर है डॉक्टर साहब? पोलोनियम। इस जहर का नाम है पोलोनियम। ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं है, बहुत रेयर किस्म का जहर है। डॉक्टर साहब, ये जहर पोलोनियम असर कैसे करता है? छूने से इसका असर नहीं होता है, कंटेजियस नहीं है ये जहर। इसे खाने या पीने की चीज में दिया जाए तभी इसका असर होता है। ये धीमा जहर, स्लो पॉइजन। इसमें इंसान सबसे पहले अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगता है, उसे लगता है जैसे वो बहुत बीमार हो गया है, और उसके बाद उसके शरीर में ऐसे लक्षण आते हैं जैसे इस शेखर के शरीर में आए। उसका एक एक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और इस वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इतना धीमा जहर? सर, ये जहर शेखर की बॉडी में कब गया होगा? मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले। 24 घंटे पहले? और ये पोलोनियम जहर खूनी के पास कहां से आया होगा? ये हर जगह आसानी से तो नहीं मिलता। मैं एक काम करता हूं दया, मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इस शहर में किस किस के पास ये पोलोनियम नाम का जहर हो सकता है। तब तक हम पता करते हैं कि मरने के ठीक 24 घंटे पहले ये शेखर कहां था और किसके साथ था। अभिजीत, ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, पता चल जाएगा उड़ान के वक्त हेलीकॉप्टर में क्या बातें चल रही थी। सब प्ले कर दो। ये तो कुणाल की आवाज है। हाँ अभिजीत, लगता है कुणाल को पता चल गया था कि खूनी ने शेखर को जहर दिया था, शायद इसीलिए खूनी ने कुणाल को हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया और फिर खुद पैराशूट बांध के कूद गया। सर, जरूर ये कुणाल या शेखर के आसपास का ही आदमी है। हाँ, सालू के बता रहा था ना कि वो पोलोनियम जहर को असर दिखाने में 24 घंटे लगते हैं, तो अगर ये पता चल जाए कि मौत से 24 घंटे पहले शेखर किसके साथ था, तो समझ लो हम खूनी तक पहुंच गए। सर, 24 घंटे पहले शेखर वैलेंटाइन्स बैंक्वेट हॉल में था। सर, वैलेंटाइन्स बैंक्वेट हॉल? वो तो राजा पार्क के वहां है। हाँ सर, वही वाला। शेखर ने फिल्म खत्म होने की खुशी में वहां पे एक छोटी सी पार्टी दी थी। फिल्म के सारे आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस को बुलाया गया था सर इस पार्टी में। तो फिर उन्हीं में से कोई है जिसने शेखर और कुणाल को मारा है। अरे चारुके साहब, आप यहाँ पे? हाँ अभिजीत, मैं, मुझे मालूम है, मुझे यहाँ देख करके तुम्हें उतनी खुशी हो नहीं रही है जितनी लैब में किसी और को देख करके होती है। वो बात नहीं है सर, लेकिन क्या करूं यार, आना पड़ा, क्योंकि उस पोलोनियम वाले साइंटिस्ट का नाम सिर्फ मैं बता सकता हूँ, तारिका जी नहीं। तो फिर साइंटिस्ट का नाम बता सालुंखे। देवेन पेटेकर। देवेन पेटेकर? हाँ, ये तो बड़ा भारी नाम है सर।
हाँ फ्रेडी, जितना भारी नाम है उतना ही भारी काम है। बॉस, इस देवेन पेटेकर ने पोलोनियम पे जितनी रिसर्च की है ना, उतनी किसी ने नहीं की। उसका एड्रेस वगैरह है? हाँ बॉस, इस कागज पे उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब कुछ लिखा। इस डॉक्टर देवेन पेटेकर से तो हम बाद में मिलेंगे, लेकिन पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वैलेंटाइन बैंक्वेट हॉल में शेखर को जहर दिया किसने। कोना कोना अच्छी तरीके से चेक कर लो। शेखर जी 24 घंटे पहले यहाँ थे, अगर उन्हें यहाँ पे जहर दिया गया है तो उस जहरीले रेडिएशन के कोई ना कोई सुराग यहाँ जरूर मिलेगा। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आपको सुन कुछ गलतफहमी हो गई है, यहाँ कौन मार सकता है शेखर जी को? अरे यार, मैं तुम्हारे स्टाफ पे थोड़ी ना शक कर रहा हूँ, मेहमानों में से भी कोई हो सकता है ना। वैसे कल स्टाफ में से कौन था यहाँ पे, कितने लोग थे? 3 थे सर, उनमें से 2 तो आज नाइट में है और 1 यहीं पे है, उसका नाम मयंक है। बुलाओ मयंक को, बुलाओ। सर, यहाँ से किसी के कराने की आवाज आ रही है। कई साइंटिस्ट की जान खबर में तो नहीं है? देख पा उसे पेटेगा। Oh no. सचिन पूर्वी, पूर्वी एम्बुलेंस बुला जल्दी। सर क्या हुआ, अब ठीक तो है? मेरी लेबोरेटरी। क्या हुआ आपकी लेबोरेटरी? मेरी लेबोरेटरी। इसको उंगली काट दी है। कौन हो सकता है सर? अब ये तो यही बता सकते हैं। हाँ सर, एक आदमी काफी देर तक शेखर जी से बातचीत कर रहा था। अच्छा, क्या क्या बात कर रहा था, कुछ सुना आपने? अरे यार सुनो, CID की मदद करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, ओके? बताओ। सर, वो विनती कर रहा था कि शेखर जी की आने वाली फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़वा दे, नहीं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, था कौन ये आदमी? नहीं सर, मैं नहीं जानता वो आदमी कौन था। तो शेखर जी ने क्या कहा? शेखर जी हंसने लग गए और बोले, खाना जरूर खा कर जाना, अच्छा बना है। और रहा सवाल फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़वाने का, तो वो तो आगे नहीं खिसकाएंगे। अच्छा, कहीं शेखर जी की मौत की वजह फिल्म की रिलीज डेट तो नहीं है? शेखर जी की मौत के बाद अब तो शायद उसकी फिल्म भी वक्त पे रिलीज ना हो पाए, इससे आपकी फिल्म का बहुत फायदा होगा ना। देखिए, किसी की चिता की आग पे रोटियां सेकी नहीं जाती। शेखर जी बहुत ही सीनियर थे और फिल्म इंडस्ट्री के एक नामी गिरामी प्रोड्यूसर थे वो। उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को जो आघात पहुंचा है उसको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। तो हम मुमकिन कर देते हैं मिस्टर राजेश, शेखर के खूनी की दास्तान सुनाकर। CID वाले आज यहाँ कैसे आ गए? देखिए प्लीज, अभी आप लोग बात नहीं, हम आपको बाद में जवाब देंगे। ये क्या कर दिया आपने, मेरे फिल्म को नेगेटिव पब्लिसिटी दे दी? वो कहते हैं ना आप लोग, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। मैं नहीं मानता, मेरे लिए मेरी इमेज और मेरी इज्जत बहुत मायने रखती है। इज्जत मायने रखती है तो फिर खून क्यों किया शेखर का? मैंने शेखर का खून नहीं किया है, मैं कलाकार हूं, फिल्म प्रोड्यूस करता हूं, मैं खूनी नहीं हूं। क्योंकि शेखर ने तुम्हारी बात नहीं मानी, अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे नहीं की, इसलिए तुमने ये तरीका ढूंढ निकाला उसकी फिल्म को पोस्टपोन करने का। ये बात सच है कि मैं उनको रिक्वेस्ट करने गया था, लेकिन जरूरी थोड़ी है उन्होंने बात सुनी, नहीं तो मैं उनको खून कर डालूंगा। अच्छा, अगर आपने खून नहीं किया तो फिर किसने खून किया? मुझे क्या पता सर, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि मैं निर्दोष हूँ। मेरी बीवी भी अक्सर मेरी बात मानती नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर एक का खून कर चुका हूँ। जब शेखर का खून हुआ तो कहाँ थे आप? सर उस वक्त मैं होटल में ही था, उनकी फिल्म की हीरोइन समीरा से बात कर रहा था मेरी अगली फिल्म के लिए। सर यहाँ पे तो फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है। देवेंद्र जी ने स्कैनर इसलिए लगाया होगा ताकि उनके अलावा कोई और इस लैब के अंदर जा ना सके। सर फिर हम लोग अंदर जाएंगे कैसे? अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर भी पहुंच ही जाएंगे। सचिन एक काम करो, ऑफिस में। सर इस पर कुछ लगा हुआ है।
तो खून जैसे लग रहा है। दे चेक करें सर। सर ये तो खून ही है। यहां पे खून कैसे लगा? सर ये देखिए, सर ये तो किसी की कटी हुई उंगली है। सर कहीं ये उंगली देवेन जी की तो नहीं? अगर ये कटी हुई उंगली देवेन जी की है तो इससे लैब का दरवाजा खुल जाना चाहिए। अब समझ में आया खूनी ने देवेन जी की उंगली क्यों काटी थी। पूरी एविडेंस बैग में डालो। सचिन यहाँ का तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। हाँ किसी ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे। जरा देखो आसपास कुछ मिलता है क्या। सर इसमें से एक बॉटल गायब है। गायब है? ओ, पोलोनियम जहर इसी लैब से चुराया गया है। सर ये देखिए खून की बूंद गिर गई है। देवेन की कटी हुई उंगली तो हमें लैब के बाहर मिली थी, तो फिर ये खून यहाँ कैसे है? सर कहीं ये खून खूनी का ही तो नहीं है? अगर ये खून खूनी का है तो वो ज्यादा देर हमसे बच नहीं पाएगा। सर इस फुटेज से ये तो साबित हो गया कि राजेश खूनी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त कुणाल हेलीकॉप्टर से गिरा ये तो होटल में था समीरा के साथ। ये तो कोई बाहर का ही है, खूनी कोई बाहर का ही है, पर कौन? वो जो कोई भी है उसे हंटिंगटन नाम की बीमारी। क्या? हंटर? हंटर नहीं फ्रेडी, हंटिंगटन। ये तुझे लेबोरेटरी में मिले खून की डीएनए से पता चला है ना? हाँ बस, लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी मिली है, इसका क्रिमिनल डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। कोई बात नहीं पूर्वी, इंटरनेट से चेक करो, देखो इन दोनों फिल्मों से जुड़े हुए किस आदमी को हंटिंगटन डिजीज है। सर हाँ। सालू के साहब ये बीमारी क्या होती है? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है फ्रेडी, इसमें इंसान की मसल का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। ये बहुत रेयर बीमारी है, अधिकतर मिडिल एज के बाद ही शुरू होती है। सब मिल गया सर। सर इसका नाम नंदन कुमार है। सर ये एक राइटर है और इसने कुछ फ्लॉप फिल्में लिखी। 2 साल पहले ये शेखर के पास अपनी एक कहानी लेकर गया था, पर शेखर ने इसकी कहानी ठुकरा दी। और जब नंदन को पता चला कि शेखर उसी की कहानी पे फिल्म बना रहा है तो उसने शेखर पे कोर्ट केस कर दिया, लेकिन वो हार गया था। और ये वही वाली फिल्म है सर, 555 घंटे, इसका म्यूजिक लॉन्च हुआ था उस दिन। इसका मतलब है दया, हमारा खूनी मिल गया। सर एक टाइम था जब मैं भी राइटर बनना चाहता था, मैं कविताएं लिखना चाहता था, लेख लिखना चाहता था, शायरियां लिखना चाहता था। अरे यार लिखते फिर ये यहाँ सीआईडी में क्या करने आ गए? पता नहीं सर। सर मगर दोनों में ना बहुत सिमिलैरिटी है। अच्छा? हाँ राइटर बनने में भी उतना ही दिमाग लगाना पड़ता है जितना सीआईडी ऑफिसर बनने में। तुम अगर राइटर बन जाओगे ना तो तुम्हारी कहानी में खून और मुर्दे बहुत होंगे। सर रोमांस भी हो सकता है। हाँ रोमांस तो हो सकता है। नंदन आप लोग कौन?
हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? सर, उस तरफ तो नहीं मिला। इतनी जल्दी भाग नहीं सकता है, कहीं कहीं छुप के बैठा होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम जैसे खूनियों को छोड़ा नहीं जाता है, जेल में बंद करके उनकी खातिरदारी की जाती है, समझा? खूनी? मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। देखा सर, राइटर ने फिर से कहानी बनाना शुरू कर दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। दो दो खून किए तुमने, कुणाल और शेखर का। सर मगर मैं उन्हें क्यों मारूंगा? शेखर ने तुम्हारी कहानी चुरा ली थी इसलिए। हाँ चुराई थी, पर उसने गैर कानूनी काम किया था। मगर इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं भी कोई गैर कानूनी काम करूंगा। सर मैंने उसे कुछ नहीं किया सर। साइंटिस्ट देवन की लेबोरेटरी में क्यों गया था? पोलोनियम जहर चुराने के लिए? सर मैं जहर चुराने नहीं गया था, मेरी अगली फिल्म साइंटिस्ट की कहानी पर आधारित है, तो रिसर्च के लिए उनसे बातचीत करने के लिए गया था सर। बातचीत करने? और बातचीत करते करते तुम्हारा खून उनके टेबल पे गिर गया। सर वहां पर ब्लेड पड़ा था, मैंने देखा नहीं और गलती से हाथ कट गया सर मेरा। कहानी बनाना बंद करो नंदन, अगर तुम निर्दोष थे तो मैं देख के भागे क्यों? सर कल रात एक बार पे मेरा किसी से झगड़ा हो गया था, मैं सारी रात लॉकअप में था सर, तो मुझे लगा कि आप लोग मुझे फिर से पकड़ने के लिए आ गए, इसलिए मैं भागा। तुम्हारे शेखर साहब को शराब पीने की आदत थी क्या? कभी कभी जब बहुत उदास होते थे तो खुद को शराब के नशे में डुबो लेते थे। उदास? किस बात का दुख था उन्हें? साहब एक दिन नशे की हालत में कुछ बड़बड़ा रहे थे कि उनके अतीत की गलती जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। अतीत की गलती? कैसी गलती? पता नहीं साहब, ऐसा लगता है कोई अतीत का राज छुपा रहे थे। मैंने सुना है साहब शराब पीने के बाद इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। सुना तो मैंने भी ऐसा। सर ये देखिए सर, इस क्लास में अल्फा पार्टिकल्स मिले हैं सर। मतलब शेखर को जहर घर में ही दिया गया है शराब में मिला के। जब शेखर की मौत हुई तुम कहां थे? साहब उस दिन काम जल्दी खत्म हो गया था, मैं शाम को ही घर चला गया था। कितने बजे? ये कोई करीब 6:30-7:30 बजे। सर आप अंकल? सर ये देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, निकालो। सर दीवार में अलमारी क्या है? निकालो सर। ये देखिए चिट्ठियां छुपा के रखी हैं। शेखर लता लता किसी लता ने इस शेखर को चिट्ठियां लिखी है। कहीं शेखर के अतीत का राज इन चिट्ठियों में तो नहीं छुपा है? कुछ पता चला इन चिट्ठियों में से? हाँ सर, काफी पुरानी चिट्ठियां हैं, 20 साल से भी ज्यादा पुरानी। इतनी पुरानी चिट्ठियां आदमी तभी संभाल के रखता है ना जब
उसका कोई इमोशनल कनेक्शन हो इनके साथ, कोई लगाव हो। हाँ सर, यहाँ भी प्यार का ही मामला है। ये लता उन दिनों छोटी मोटी एक्ट्रेस हुआ करती थी, दोनों आपस में प्यार करते थे सर, मगर ये शेखर पहले से शादीशुदा था। कई बार लता को वादा किया था उसने कि अपनी बीवी को डिवोर्स दे देगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। शायद लता इसी बात से दुखी थी। हाँ सर, लेकिन उसने दुनिया के सामने ये बात जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि उसे पता था कि इससे उसकी और शेखर की बदनामी हो सकती थी। वैसे लता आजकल है कहाँ पर, कुछ पता चला? हाँ सर, सर लता अब जिंदा नहीं है। 20 साल पहले 27 मार्च 1993 को उसकी छत से गिरने से मौत हो गई। हो सकता है ये एक्सीडेंट ना हो, और शायद इसमें शेखर का हाथ हो। फिर 20 साल बाद कोई तो है जो लता की मौत का बदला लेना चाहता है। लग तो ऐसा ही रहा है सर। सर, जिस वक्त लता की मौत हुई थी उसकी एक 4 साल की बेटी थी सेजल। माँ की मौत के बाद उसे अनाथ आश्रम भेज दिया गया था, और अब वो 4 साल की बेटी 24 साल की हो गई है। अच्छा, तो हो सकता है इस बच्चे ने अपना पूरा बचपन माँ के बदले की आग में गुजारा हो। इस अनाथ आश्रम में जाकर पता लगाओ सेजल के बारे में, वो करती क्या है कहाँ। सेजल नाम की एक बच्ची आई तो थी यहाँ करीब 20 साल पहले, जब वो 8 साल की हुई तो उसे अडॉप्ट कर लिया गया है। किसने अडॉप्ट किया था? मिस्टर एंड मिसेस संजीवन ने। देखिए अडॉप्शन के वक्त का फोटोज है। ये देखा क्या सर? सेजल के गले में पेंडेंट। अरे हाँ सर, ये तो ठीक वैसा ही पेंडेंट है जो हमें हेलीकॉप्टर की क्रैश साइट पे मिला था। एग्जैक्टली, हमारा शक सही निकला। सेजल का इस केस से लेना देना जरूर है। रहती कहाँ है ये सेजल? अलका जरा देखना कौन है। जी जी कहिए। मजे, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? क्या बात है? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? ओह सॉरी, आइए। थैंक यू। सुनिए, सीआईडी वाले आए हैं। सर क्या हुआ? दरअसल हमें सेजल के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या किया सेजल ने? हमें शक है कि सेजल ने खून किया। क्या, ये आप क्या कह रहे हो? सेजल किसी का खून नहीं कर सकती। तो सेजल को बुलाइए, हम उसी के मुझे सुनना चाहते हैं। घर पे? जी वो घर पे नहीं है, उसका फोन आया था, वो थोड़ी देर के बाद आएगी। सीआईडी की गाड़ी मेरे घर पे? तेज चला रही।
गई तो गई कहाँ? बस बहुत भाग ली, अब जरा अपना मुखड़ा तो दिखा दे। समीरा तुम? किसी भी बच्चे के लिए उसकी माँ की मौत से ज्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता। 4 साल की थी मैं, 4 साल की, जब उस शेखर की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। तुम तो 4 साल की थी जब यह हादसा हुआ था, 20 साल बाद तुमने शेखर को कैसे पहचान लिया? नहीं पहचानती थी, लेकिन मैंने सोच रखा था कि एक ना एक दिन उस आदमी को जरूर ढूंढ निकालूंगी जिसने मुझे अनाथ किया, और उसे एक दर्दनाक मौत दूंगी। मैंने पोलोनियम के बारे में कहीं पढ़ा था कि एक धीमा जहर है, और सोच लिया था कि इसी से शेखर को मारूंगी। पर शेखर को ढूंढा कैसे तुमने? मैंने उसे नहीं, उसने मुझे ढूंढा। वो अपनी फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहा था, जिसके जरिए वो मुझ तक पहुंच गया। अच्छा, तो इत्तेफाक से उसके घर में तुमने तुम्हारी माँ ने लिखी हुई चिट्ठियां पढ़ ली, और तुम समझ गई कि तुम उस खूनी तक पहुंच गई हो, है ना? हाँ, मैंने उसी दिन से उसे मारने का प्लान बना लिया था। और जब कुणाल को पता चला कि तुमने शेखर को जहर देके मारा है, तो तुमने उसे भी मार दिया, है? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट प्लान था मेरा। पहले होटल पहुंच के मीडिया के सामने तस्वीरें खिंचवाई, और उसके बाद वहां के फायर एग्जिट से निकल गई। किसी ने देखा भी नहीं मुझे, और हेलीकॉप्टर तक कुणाल के पास पहुंच गई, दरवाजे निकल गई। माना कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदले के लिए तुम खून पर खून किए जाओगे। दो दो खून किए तुमने, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।